आसिफ नगर पोल्यूशन के लिमिट्स में पीनखाना बोल के एक एरिया है, पीनखाना के पास एक कोई बॉडी गिरी हुई है विद इंजुरीज के साथ बोले तो, हमारी पुलिस आसिफ नगर इंस्पेक्टर आके उसको इमीडिएट हॉस्पिटल शिफ्ट करे, वहाँ पे उसका ब्रॉट टू डेड बोल के बोले, तो इस सिलसिले में वो उसको इंजुरी है यहाँ पे थ्रोट पे, तो कोई मर्डर करे हुए रहते बोल के हमारा शक है, तो इस सिलसिले में हम हमारे टीम्स क्रूज टीम्स और डॉग स्क्वाड भी आ रहा और क्रूज टीम्स भी काम कर रहे और स्पेशल टीम्स भी भेजा है, हमारे को थोड़ा क्लू है उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम सुबह तक अंदर हम अक्यूज को कैच कर लेंगे। शेख अलीम बोल के आसिफ नगर करीबन 500 मीटर के दायरे में दूसरा मर्डर है एक हफ्ते के अंदर भाई, वीडियो इधर के नको लियो, पुलिस की ये सराउंडिंग इधर कम हो रही है क्या, और जो वाइट शॉप की जो बात हो रही है, वाइट शॉप दोनों भी मर्डर जो है नशे की हालत में किए गए और दोनों भी स्टार्ट जो है ना वाइन शॉपों से ही शुरू हुए, तो वाइन शॉपों को आप एकदम लापरवाही से देखते हैं। हाँ ये बात आई हमारे नजर में आई, ये वाइन शॉप वाले जो सेल करने बाद बाहर इलीगली वाइट ठहर के पी रहे वो नहीं होना चाहिए, इस सिलसिले में हम एक्शन लेंगे, खासकर ये रेनी में शाम में वो खरीद ले रहे हैं, शाम में बैठ के पी रहे कर रहे, इस सिलसिले में हम एक्शन लेंगे, आइंदा से ऐसा वाइन शॉप के सामने पीना करना लूज सेल करना नहीं अच्छा देखेंगे। शेख हलीम बोल के प्रॉपर्टी ऑफेंसेस है, इसमें कोई ऐसा बॉडीली ऑफेंसेस नहीं है इसका, वो पूरे प्रॉपर्टी ऑफेंसेस है। अभी लोकल में फिलखाने में भी कुछ रेसिडेंशियल जो भी रह रहे हैं लोग जो तो ये कंप्लेंट कर रहे हैं कि मैक्सिमम शराब पी के लोग गलियों में, लोगों के जरिए मैं पब्लिक से गुजारिश करता हूँ और आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि वैसा कुछ आपकी नजर में आए तो इमीडिएट मेरे को फोन कीजिए या कंसर्न अपने इंस्पेक्टर को फोन कीजिए, उस पर एक्शन लेते हैं, इन्फॉर्मेशन आने के बाद वो अपने हाथ तक नहीं रखे, पुलिस को भी इन्फॉर्म करें। सब अक्सर यही तो शराब खरीद के बिल्कुल आसपास जो है सब सीसीटीवी कैमरास की अगर बात की जाए तो पुलिस हमेशा जो है सीसीटीवी कैमरा के थ्रू बहुत केसेस सॉल्व कर रहे बोलते हैं, बहुत सारे कैमरे लगाए बोलते हैं, मगर ये दो मर्डर केस में भी सीसीटीवी अभी तक कोई जो है पुलिस के काम में नहीं आई, इसकी वजह सीसीटीवी यहाँ पे पुलिस की मौजूद है। सुनिए ये आपका जो कहना है गलत है, वो पैसे पहले का मर्डर भी सीसीटीवी के जरिए डिटेक्ट हुआ, इंशाल्लाह ये भी सीसीटीवी के जरिए डिटेक्ट होगा। जब पुलिस से फिर सीसीटीवी अगर अगर मीडिया तो साफ इनकार कर देती है। हाँ वो तो अभी क्लियरिटी नहीं है ना, अब अपन को आपको अभी इन्फॉर्म कर दिए तो वो इन्वेस्टिगेशन में जरा प्रॉब्लम हो जाता है, इस वजह से अभी आजकल तेलंगाना जब केसीआर हुकूमत थी फ्रेंडली पुलिसिंग में लोग मर्डर करके पुलिस स्टेशन आके सरेंडर हो जाते थे, अब इसमें कितने लग गए। अब यहाँ पे पुलिस का डर है भाग जा रहे, जब पुलिस का डर रहता है वो सरेंडर हो जाते, तो उस वजह से अब हमारे भी क्लू आया, पक्का क्लू आया, नहीं अभी चल रहा, समझे अभी चल रहा इन्वेस्टिगेशन, क्लू आ गया हमारे को, इंशाल्लाह हम उसको पीछे पड़े हुए हैं, टीम्स निकल गए दो तीन टीम, इंशाल्लाह हम पकड़ के आपको बुला के प्रेस मीट कंडक्ट करेंगे। सेम कास्ट सेम कास्ट ही, ये कुछ पी के मारने से है, वो भी चिल्लर लोग है, कोई खास ऐसा नहीं है, हम भागा नहीं होटल्स खुले नहीं रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी जो है एमएलए नामपली जनाब माजिद हुसैन साहब ने फ़ोन किया मुझे, यहाँ आसिफ नगर गांधी स्टैचू के पास जो है मर्डर हुआ, ये एक हफ्ते में दूसरा मर्डर है आसिफ नगर पीएस लिमिट्स में, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो 300 मीटर के रेडियस में जो दो मर्डर हुए आसिफ नगर लिमिट्स में, तो पुलिस क्या कर रही है और इनकी पेट्रोलिंग टीम क्या कर रही है, ये बिल्कुल पुलिस की नाकामयाबी है जो है दिन ब दिन मर्डर्स हो रहे हैं शहर में। यहाँ पर एक वाइन शॉप है जिसका नाम अमृत वाइन शॉप है, बिल्कुल वहाँ जहाँ पे ये क्राइम ऑफेंस हुआ है वहाँ पर मैंने देखा, वहाँ ये पुराना अड्डा है ये फीवटों का, वहाँ पे ग्लास कई सारे बॉटल्स पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई राउंडिंग नहीं हो रही है। मैं
पुलिस कमिश्नर से ये कहना चाहता हूँ, ये मुतालबा करता हूँ कि आप होटल्स को बंद कर रहे हैं, उससे पहले आपको तवज्जो देना है वाइन सेंटर्स पे और वहाँ के सराउंडिंग लोकेलिटीज पर, उसको बंद करें और आप पेट्रोलिंग बढ़ाएं और रात में खुसूसी रेसिडेंशियल एरियाज में जो है आपकी पेट्रोलिंग डबल होना चाहिए और ऐसे जो सेंसिटिव एरियाज है जहाँ पर वाइन शॉप्स है, जहाँ पर जो सेंसिटिव एरियाज नोटिफाइड है, वो एरियाज पर पेट्रोलिंग करें। और आसिम नगर लिमिट्स में दूसरा मर्डर है एक हफ्ते में, तो इसके ऊपर फौरी तौर पर कमिश्नर से मैं मुतालबा करता हूँ कि वो एक्शन में आए और जो है फौरन इसकी इन्वेस्टिगेट करें कि क्यों आसिम नगर में एक ही हफ्ते में दो मर्डर्स हुए हैं। और लास्ट वीक भी जो मर्डर हुआ है, वाइन शॉप से निकलकर पुलिस वालों को जब इतला मिली, उन्होंने उस शख्स को जो है ऑटो में बिठाकर छोड़ दिया, वो भी एक नाकामयाबी है पुलिस की। जब एक झगड़ा हुआ वहाँ पे, जब फसाद हुआ, तो पुलिस के आले अहदेदारों को चाहिए कि वो अपने साथ उसको बच्चे को लेकर जाते थे तो हो सकता है कि वो बच्चे की भी जान बच सकती थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। ये फिर से दूसरी नाकामयाबी आसिफ नगर लिमिट्स में। मैं सख्त अल्फाज में कमिश्नर हैदराबाद से मुतालबा करता हूँ कि इस पर सीरियस नोट लीजिए और ये जो शहर में जो हर दिन जो मर्डर हो रहे हैं, इस पर अगर आप ज़रा नोट लेकर ये बिरयानी होटलों को छोड़कर आप यहाँ पे तवज्जो दें तो क्राइम जो है कंट्रोल में होगा। तो मैं तमाम मीडिया के लोगों से अपील कर रहा हूँ कि आप इसको जो है फौरी तौर पर कमिश्नर हैदराबाद को ये पहुँचाइए बाइट और उनसे ये कहिए कि फौरी तौर पर जो है इसका इन्वेस्टिगेट करें और आसिम नगर में दूसरा मर्डर हफ्ते में।